अपने खास प्रोग्राम गुजरात के दंगल को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिस खबर पर मैं चर्चा करूंगी अपने सहयोगी अनुज मिश्रा के साथ, वो खबर बहुत बड़ी है और कहा जा रहा है कि इस खबर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। हालांकि पहले भी अच्छी रही है, लेकिन इस बार ये जो खबर है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति और बीजेपी को गुजरात में हराने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है। आपको बता दूं, ऐसी खबरें हैं कि अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्य दावेदार माना जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए। इसी पर चर्चा करूंगी अपने सहयोगी अनुज मिश्रा के साथ। अनुज जी, जिस तरह से अहमद पटेल को लेकर खबरें सामने आई हैं कि वो गुजरात में दावेदार हो सकते हैं, क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ तख्ता पलट हो सकता है? देखिए गायत्री जी, क्या है कि अहमद पटेल जो कांग्रेस के लिए एक बहुत मुख्य चेहरा है गुजरात के लिए। अब अहमद पटेल की अगर हम बात करें तो अहमद पटेल कांग्रेस राजीव गांधी के कार्यकाल से लेकर के उन्होंने अभी तक उन्होंने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चाणक्य की भूमिका निभाते हैं वो। और अहम जो मुद्दे कांग्रेस डिसाइड करती है या फिर अहम मुद्दों में अहमद पटेल को शामिल रखा जाता है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद। बिल्कुल सही कहा कि चौंकने वाली बात नहीं है अनुज जी, लेकिन आपको बताना चाहूंगी चौंकने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही इसको लेकर सरगर्मियां बढ़ रही। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर बीते जो विधानसभा की बात करूं उसमें अहमद पटेल नहीं बनते कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरा, क्योंकि गुजरात में वही है कांग्रेस का चेहरा, उनके अलावा शायद कोई दावेदार बन भी नहीं सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से अहमद पटेल को लेकर इस तरह की खबरें सामने आई हैं अहम चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन नहीं हो सकता कि इस बार वाकई गुजरात में कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस की लहर है ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आप कई ऐसे दावे हैं, कई ऐसे सर्वे हैं जो जिन्होंने बताया है कि बीजेपी जीतेगी। लेकिन ये इसमें हम कोई दोहराए नहीं है कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है उसमें गुजरात चुनाव को लेके। लेकिन गुजरात के समीकरण जो हैं वो किसके फेवर में जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको बता दो दर्शकों कि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल का गांधी परिवार से खास रिश्ता है, और आपातकाल के दौरान वो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा सहारा बने थे। उसी दौरान उनकी पार्टी में दाखिल हुए थे, और साल 2004 और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही है। कहा जाता है कि वो रणनीति उन्होंने ही बनाई थी जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव को फतेह कर पाई थी। तो आपको नहीं लगता है कि अगर उन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी साल 2004 और 9 में, तो फिर गुजरात में ऐसा क्या है अहमद पटेल मुख्य चेहरा होने के बावजूद भी कांग्रेस गुजरात में क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए अहमद पटेल अगर कांग्रेस के मुख्य चेहरा माने जाते हैं ये इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन ये हम गणित नहीं लगा सकते हैं कि अहमद पटेल की वजह से ही कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। हम वहाँ जो जमीनी हकीकत है कि जिस तरीके से दो दशक से बीजेपी की सत्ता पर काबिज है, तो बीजेपी का सत्ता काबिज। आप ही बात तो काटना चाहूंगी, आपने ये कहा कि जिस तरह से भी है, आपने जो भी बोला, अहमद पटेल मुस्लिम चेहरा भी है कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी को एंटी मोदी जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं पीएम मोदी को नापसंद करते हैं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम जो है मोदी को पसंद नहीं करते हैं पीएम मोदी को, तो अहमद पटेल इस चीज का फायदा उठा सकते हैं गुजरात में? देखिए अहमद पटेल मुस्लिम चेहरा है, लेकिन बीजेपी की जो पहले जो आप उस चीज़ को आंक नहीं सकते हैं कि जो पहले बीजेपी का वजूद था, बीजेपी का वजूद पहले भी बहुत अच्छा था, और लेकिन जो आने वाला ये जो चुनाव है उसमें मुस्लिम जो चेहरा भले ही बीजेपी ने ना दिया हो किसी को, लेकिन कम से कम आप जानते हैं कि 25,000 से 50,000 वोटर हैं गुजरात के अंदर, उसमें भी बीजेपी के फेवर में अधिक से ज़्यादा मुस्लिम जो है वो बीजेपी के ही फेवर में माने जा रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि मुस्लिम एक लीडर्स का जो बयान आया था, हाँ, जमात इस्लाम के संगठन का, तो उसमें से यही वो तय करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। अगर उस लीडर ने बयान दिया है तो कोई ना कोई संदेह है कि मुस्लिम जो है बीजेपी के पक्ष में है। गुजरात में सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विपक्ष में मुस्लिम जाता हो, क्योंकि
राहुल गांधी ने कांग्रेस ने जो परंपरागत वोटर थे मुस्लिम, उनको भी कहीं ना कहीं खोने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की फेवर में मुस्लिम नहीं होंगे इस बार। लेकिन अहमद पटेल तो बहुत बड़ा चेहरा है, मैं फिर से इसी मुद्दे पर कहूंगी आपको कि अहमद पटेल पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। तो इस मान लीजिए बीते कई बीते 2 दशकों से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं, और आपको बताना चाहूंगी कि 3 चरणों की चुनावी रैली जो चुनावी कैंपेन है वो राहुल गांधी पूरी कर चुके हैं, और उन्होंने तीसरे चरण की शुरुआत भरूच से की थी, और भरूच से ही अहमद पटेल का खास नाता है। जी हाँ, भरूच से ही अहमद पटेल का खास नाता है, और उन्हें 26 साल में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था, और 1976 से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, और यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने कोई भी मंत्री पद हासिल नहीं किया था, उन्हें कोई भी मंत्री पद की चाहत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा ही सोनिया गांधी के विश्वास पात्र बने हैं, और कई मुद्दों पर जब सोनिया गांधी को सलाह की जरूरत होती है तो अहमद पटेल से संपर्क करती हैं। अभी हाल फिलहाल अगर बात करूँ पाटीदार आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अहमद पटेल से ही संपर्क साधा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से अहमद पटेल का वहाँ पे वजूद है गुजरात में कांग्रेस की तरफ से, तो अहमद पटेल कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं कांग्रेस को सत्ता में लाने में? देखिए, अहमद पटेल, मैं आपसे फिर से वही कहना चाहूँगा कि अहमद पटेल एक बहुत बड़ा चेहरा है गुजरात के अंदर, लेकिन वो कांग्रेस की जो रणनीति है या फिर उसमें भागीदार अच्छे तरह से निभा सकते हैं उन चीज़ों को, लेकिन लेकिन बीजेपी लेकिन कांग्रेस की नैया पार लगाना अहमद पटेल की बस की बात नहीं है। कैसे कह सकते हैं इसलिए अहमद पटेल पार नहीं कर सकते कांग्रेस की नैया, क्योंकि बीजेपी सोनिया गांधी के सबसे बड़े विश्वास पात्र है, और विश्वास कई सालों से गांधी का विश्वास पात्र से कोई सत्ता हासिल नहीं कर लेता। आप विश्वास पात्र नहीं था पीएम मोदी के अगर नेतृत्व जब तक जमीनी पकड़ नहीं होगी किसी नेता की, जब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि जमीनी पकड़ नहीं है उनकी, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बीजेपी की 2 दशकों से लगातार सत्ता पर काबिज है। 2 दशकों से अगर बीजेपी वहां पे, इसका मतलब ये नहीं कि अहमद पटेल की वहां पे पकड़ मजबूत नहीं है। पकड़ मजबूत, लेकिन उसी क्षेत्र तो सवाल या प्रश्न खड़ा कर रहे हैं फिर आप अहमद पटेल पे कि उनकी पकड़ ही मजबूत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यूपी में तो अगर पकड़ मजबूत है तो क्यों अभी तक क्यों सत्ता में कांग्रेस नहीं आ पाई है? अहमद पटेल पहले से वजूद में है तो अगर पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही तो इसका मतलब है कि अहमद पटेल का वहां पे पकड़ कमजोर है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे और भी वजह हो सकती हैं। हो सकती है स्ट्रेटजी ना हो अच्छी सी, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वोटर फिसला हो, घोषणा पत्र भी उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए कुछ ना किया हो, जिस तरह राहुल गांधी के तेवर इस बार नजर आ रहे हैं, बीते कई विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आए हैं, इस बार जिस तरह बीजेपी की नाक का प्रश्न है तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। कहा जा रहा है, एक मिनट रानू जी, कहा जा रहा है दर्शकों की इस बार कांग्रेस को जो उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगर इस बार गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता है या फिर फतेह हासिल करती है पार्टी, तो कहीं बहुत ही सम्मानपूर्वक ऐसे ऐसे भी और वैसे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और गुजरात चुनावों से पहले 19 नवंबर को कहा जा रहा है कि वो उनको पार्टी की तरफ से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए अहमद पटेल बहुत बड़े वो एक कहते ना आधारभूत एक काम कर रहे हैं, उनका आधार है, क्योंकि शून्य है अहमद पटेल के बिना राहुल गांधी गुजरात में। देखिए, अहमद पटेल कांग्रेस के लिए हो सकते हैं लेकिन गुजरात की जनता के लिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात की जनता के लिए इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि गुजरात की जनता ने जो अभी जनता तक पाया अगर नहीं हो सकते तो आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से सीट हार गई थी, उस टाइम कांग्रेस बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी, कई नेता बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, उस वक्त अहमद पटेल ने कांग्रेस की नैया को नैया के खवैया बने थे, नैया को पार लगाया था। तो आप कैसे कह सकते हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो मंत्रिमंडल वो उसके जो एक टीम है उसके अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर उन्होंने 2 दशकों में क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया? अगर वो मुख्य चेहरा है, जमीनी पकड़ है उनके पास है, तो क्यों नहीं कर पाए वो? देखिए अनुज जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा तथ्य हुआ कि उनकी पकड़ मजबूत नहीं है तभी वो सत्ता में नहीं है। बहुत से इसके फिर से मैंने भी ये बोला, फिर से ये बोलना चाहूंगी इसके पीछे और भी वजह हो सकती है, उन वजहों को जो तलाशना होगा, लेकिन इस बार जिस तरह से राहुल गांधी अपनी सक्रियता बना रहे हैं, और हाँ सबसे बड़ी बात कि अभी हाल फिलहाल गुजरात के सूरत में अस्पताल में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे जो कि IS के थे, और कहा जा रहा था उसमें से उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अहमद पटेल
पटेल से जोड़ा गया था। हालांकि पटेल ने इस पर सफाई दी थी कि वो ट्रस्टी नहीं है, लेकिन विजय रूपाणी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। तो इस तरह से जिस तरह से बीजेपी निशाना साध रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी को भी डर है कि इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक कमजोर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ये मैं आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को इस बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। देखिए आप क्या है, मैं इस बार ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस हारेगी, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ संभावनाएं व्यक्त की जा रही, जो रिपोर्ट सारी रिपोर्ट्स के मद्देनजर कि एक सर्वे अभी मैंने आपसे बताया था कि सर्वे सामने आया था बीजेपी जीतेगी, वहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर सकता है। ये मैं मान सकता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो 6-7 सीटें आती थी, 8 आती थी, वो हो सकता है कि 10 आ जाए, तो इन सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की इस समय बहुत टक्कर है, गर्मा गर्मी टक्कर बहुत तो हमेशा ही रही है, लेकिन जीतती तो बीजेपी ही है, टक्कर कहाँ नहीं रहती। मोदी जब मोदी थे वहाँ, जब पीएम मोदी थे, जब मुख्यमंत्री थे बीजेपी वहाँ गुजरात में, तब उनका टक्कर शायद किसी से नहीं थी, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मोदी की इतनी अच्छी पकड़ थी गुजरात के अंदर कि उनको हिलाने वाला कोई नहीं अभी भी है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी जनता का विश्वास मोदी पर था। अब मोदी आ गए हैं दिल्ली के अंदर, अब केंद्र पर आ गए, तो केंद्र क्या है कि विजय रूपाणी है, उतना जनता को खुश नहीं कर पाए हैं जितना पीएम मोदी ने किया, उनको उतना वक्त भी नहीं दिया गया। और आपको बता दूं कि विजय रूपाणी को सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा इसीलिए लिया गया था क्योंकि वो पाटीदार समुदाय को हैंडल नहीं कर पाई थी, इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया। हालांकि उसके पीछे भी काफी डिप्लोमेटिक कूटनीतिक चालें चली गई हैं, लेकिन विजय रूपाणी को आपको नहीं लगता कि 2 साल जब चुनाव होने में इतना समय था, थोड़ा टाइम था, तो क्या आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए था? देखिए मैम, आनंदीबेन का एक क्या है कि आनंदीबेन जो पाटीदार है उस समुदाय से शायद बिलोंग करती हैं, और उसी दौरान पाटीदारों का ये जो आंदोलन है, जो भी है अनुजी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर और भी बहस और गहमा गहमी चलेगी, जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव और नजदीक आएंगे, और अभी जैसे लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से कांग्रेस की रणनीति को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।